नमस्कार, स्वागत है सभी का एनबीसी 24 न्यूज पे। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, राजीव नगर नेपाली नगर का मामला एक बार फिर से कोर्ट में उठा है बीते दिनों, और कोर्ट ने पटना पुलिस को जम के फटकार लगाई है। आवास बोर्ड के जितने सारे लोग थे वो हाईकोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन इसके पूर्व में हाईकोर्ट ने पुलिस वाले को जो है वो फटकार लगाई है। आपको बता दें कि राजीव नगर स्थित नेपाली नगर के 400 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक केवल हाउसिंग बोर्ड का है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने मंगलवार को जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ के सामने अपनी दलील पेश की है। उन्होंने 2010 में एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से इसी के इर्द गिर्द दलीलें पेश की गई हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जमीन कब खरीदी, कब निर्माण किया गया है, क्या प्लॉट नंबर था। सरकारी वकील ने पूरक हलफनामा दायर कर कहा है कि इसमें 400 एकड़ के जमीन के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, जमीन खरीदने वाले तो मूर्ख नहीं है, लेकिन पुलिस के वेश में जो डाकू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। ऐसे सब डाकुओं को हटाइए, इन सब ने पैसा लेकर अवैध खरीद बिक्री करने वालों का साथ दिया। आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया अपने ईमानदार पुलिस और बोर्ड कर्मचारी पर। ऐसे लोगों पर FIR होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब बोर्ड खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सक्षम है तो इसमें जिला प्रशासन का सहारा क्यों लिया गया। शाही ने जवाब दिया कि बोर्ड फेल हो गया तो भी कलेक्टर को अधिकार है कि वो पब्लिक लैंड को अतिक्रमण मुक्त करा सके। कलेक्टर का यह कर्तव्य है कि अगर उसे कहीं से भी जानकारी प्राप्त होती है कि किसी भी पब्लिक लैंड पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है तो कलेक्टर कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने पूछा है कि किसकी जमीन है। शाही ने कहा राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया है और बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया है। अब जब जमीन बोर्ड की है तो बहस के समय याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता उपस्थित थे, अब 4 अगस्त को ये लोग दलील देंगे। 2010 के एक्ट में सब कुछ स्पष्ट है। महाधिवक्ता के कोर्ट ने बताया कि 2010 में एक्ट लगाकर 1034 एकड़ जमीन को दो भागों में बांटा गया है। राजीव नगर के 600 एकड़ जमीन में जितने लोगों ने घर बना लिया था केवल उन्हीं का सेटलमेंट करने का प्रावधान किया गया। 400 एकड़ के बारे में साफ तौर पर कहा गया है कि इस पर कोई घर नहीं था। अगर किसी ने बना लिया तो जांच के बाद उसे एक्स ग्रोशस भुगतान करना प्रावधान, यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला कर दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि नेपाली नगर पर 400 एकड़ की जमीन जो है वो आवास बोर्ड का ही है, लेकिन उस पर जिस तरीके से खाली कराया गया है, जिस तरीके से रवैया अपनाया गया है पटना पुलिस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि लोगों ने आरोप लगाया कि जब घर बन रहा था तो वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचते थे और उनसे पैसा लेते थे और कहते थे कि आप निश्चिंत होकर घर बनाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब वही पुलिस वाले पैसे लेकर के घर बनवा रहे थे और वही पुलिस वाले जाकर के उस घर को उजवा रहे हैं, ऐसे में सवाल बनता था। हालांकि आवास बोर्ड ने अपना पक्ष रख दिया है। अब 4 अगस्त को जो है वो फैसला आएगा, 4 अगस्त को जो है पेशी होगी एक बार फिर से। अब देखने वाली बात होगी कि 4 अगस्त को क्या कुछ फैसला होता है, यानी कि कल के दिन क्या कुछ फैसला आगे होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।